अरे भाई जल्दी उठ जा, भाई जल्दी उठ जा भाई, ये देख। हाँ कौन है यार, क्या है भाई, सोने क्यों नहीं दे रहा मेरे को, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों कर रहा है, क्या हो गया? अरे भाई ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, एक केक, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार केक है, इसको खा के देख। भाई तूने केक खाने के लिए मेरे को सोने से जगा दिया, भाई तू पागल पागल हो गया है क्या? खा के तो देख भाई, मैंने इसको खुद बनाया है। हाँ ठीक है मैं खा लूंगा, बट यार तूने मेरे को सोते हुए से क्यों जगा दिया, मैं आराम से सो रहा था, भाई तू पागल पागल है पूरा। भाई रुक जा यार, तू पहले मेरे को खाने दे एंड खुद भी खा ले, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है भाई मैं खाता हूँ। हाँ वेट, लेकिन भाई ये तेरे पीछे स्कैरी चेस क्या कर रहा है, ये तो पॉ पेट्रोल का मेंबर चेस है, लेकिन ये तेरे पीछे क्या कर रहा है भाई, एक बार पीछे देख, एक बार अपने पीछे देख, वो देख स्कैरी चेस। कहाँ पे भाई कहाँ पे, तू किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई। हाँ भाई तू कहाँ गायब हो गया, अबे गाइस देखो मेरा भाई यहाँ पर गायब हो चुका है, और ये स्कैरी चेस, ओ नो, अबे लूनार मून भी तो है, ओ छोड़ दो मेरे को प्लीज, ये सारे के सारे यहाँ पे कैसे आ गए, नो ओ शो। हाँ अबे ये क्या, मैं तो अपने घर में आ चुका हूँ, लेकिन वहां तो, इसका मतलब वो एक ड्रीम था, अरे बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो ड्रीम एकदम रियल की तरह था, रियल से भी ज्यादा खतरनाक ड्रीम मैंने देखा है। भाई तू अभी भी सो रहा है, जल्दी उठ जा यार, वो एक ड्रीम था। मेरे को छोड़ दो प्लीज लूनार मून, मुझे छोड़। हाँ वेट भाई, हम लोग इस हाउस के अंदर क्या कर रहे हैं, हमें तो लूनार मून ने पकड़ लिया था। भाई ये हमारा घर है और हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं, और जहाँ पर हम थे ना वो एक ड्रीम था, लेकिन भाई हमारी ये सारी की सारी घर की विंडो जो हैं वो टूट कैसे गई, इन्हें ठीक करो फटाफट से, लगता है कोई हमारे घर पे आने वाला है भाई। अरे यार मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं ये विंडो कैसे टूट गई, अबे यार लूनार मून तो नहीं आने वाला है भाई। पता नहीं भाई कौन आने वाला है, किसी के आने से पहले हमें अपनी सारी की सारी विंडो को ठीक करना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई हमारे घर के अंदर घुस के हमें जान से मार दे। जल्दी जल्दी से मैंने सारी की सारी विंडो बंद कर दी हैं। चलो भाई अब हम लोग क्या करें, ऊपर चलते हैं चलो। हाँ चलो ऊपर देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है, भाई फटाफट ऊपर आना, क्या कर रहा है भाई तू, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है तू भाई, तेरे को भूख लग रही है क्या? भाई भूख नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई आया हुआ है। क्या बाहर कोई आया हुआ है, लेकिन बाहर कौन हो सकता है, रुक जा भाई मैं अपने कैमरे में चेक करूं क्या कि बाहर कौन है। हाँ हाँ भाई कैमरे में चेक कर जल्दी से। ठीक है भाई मैं कैमरे के अंदर चेक करता हूँ कि बाहर कौन है। हाँ ये क्या, बाहर तो लूनार मून चेस, स्कैरी मिस डिलाइट और कैटनैप, ये पांचों के पांचों मॉन्स्टर हमारे गेट पर खड़े हैं भाई। ओ नो भाई, हम लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, हमारे गेट के बाहर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं, और उनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन कहीं हमारे घर में ना घुस आए। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे घर में आके हमें मार देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। भाई हमें कुछ करना पड़ेगा, चलो भाई अपनी बेसमेंट के अंदर चलते हैं, हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है, हमें अपनी बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपनी एक रात को गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े हैं ना। हाँ हम लोग इसी के अंदर रहेंगे, हम लोग यहाँ पर सेफ हैं एंड हमें यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। भाई तू कैमरे में चेक कर वो लोग गए या नहीं। हाँ भाई मैं चेक करता हूँ कैमरे में, लेकिन हाँ ये क्या, अबे ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए, अरे भागो यहाँ से भाई। गाइस ओ माय गॉड ये क्या भाई, शिट यार, वो सारे के सारे मॉन्स्टर लूनार मून कैटनैप मिस डिलाइट ये सारे लोग मेरे गेट के बाहर खड़े हैं, और भाई मुझे लगता है, लेकिन गाइस एक मिनट मेरा भाई कहाँ चला गया, मुझे लगता है मेरे भाई को उन सभी ने किडनैप कर लिया है या फिर उसे कहीं बंदी बना के रख दिया है, लेकिन वो है कहाँ पे मुझे नहीं पता। गाइस मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा भाई कहाँ पर गया होगा या फिर उन लोगों ने मिल के मेरे भाई को खा लिया।
सो गाइस पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, लेकिन गाइस मैं अपने कैमरे में चेक कर सकता हूँ। सो गाइस रुक जाओ, पहले मैं अपना कैमरा चेक करता हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा अपने भाई को बचाने के लिए। क्या पता मेरा भाई नीचे ही बैठा हो। सो गाइस टाइम आ चुका है अपना कैमरे को चेक करने का, लेट्स गो। हाँ ये क्या भाई, मेरा भाई तो नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उन सब ने मिल के मेरे भाई को पकड़ रखा है। वो लोग उसे जान से मार रहे हैं। नहीं मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, प्लीज छोड़ दो उसे। ओह शिट, वो लोग तो उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो उसे मार रहे हैं। नहीं छोड़ दो प्लीज। मुझे पता लग गया गाइस कि मेरा भाई कहां पर है, मेरा भाई तो मेरे घर के नीचे ही है और मुझे उसके बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है। सो मैं जा रहा हूं अपने भाई को बचाने के लिए, लेट्स गो। गाइस मैं आ चुका हूं अपने भाई को बचाने के लिए। वो देखो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन गन है, एंड मैं गन से उन्हें सबको मार दूंगा। लेकिन गाइस आपको तो पता है ना कि उनको मारना कितना ज्यादा मुश्किल है यार, वो लोग बहुत ही खतरनाक है, उनको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो सामने वाले घर में है। अबे वेट, वो देखो लूनार मून और उसके साथ बाकी उसके सारे दोस्त वहीं पे विंडो में खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, लेकिन ये सारे के सारे विंडो में क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग विंडो में क्या कर रहे हैं। हाँ भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये लोग विंडो। हाँ गाइस मेरा भाई तो यहाँ पर है। भाई मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है चिंता मत कर भाई, मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ। ओके सो वहाँ भी मेरा भाई कुछ तो कर रहा है। लेकिन यार एक सेकंड, अगर मैं ऐसे इस घर में जाके घुसूंगा और उन लूनार मून को मारूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई वेपन ही नहीं है। अगर मेरी गन काम नहीं करी तो मैं उन्हें मार नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं आने वाला भाई। पहले मेरे को यहाँ पे पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। सो पहले मेरे को जाना पड़ेगा अपने घर पे, लेट्स गो। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, एंड अगर सिक्योरिटी वालों ने हमें पकड़ लिया ना तो वो हमें लूनार मून के हवाले कर देंगे, और फिर लूनार मून जो हमारा करेगा ना वो तो आप लोग जानते हो ना कि हमारा क्या हाल होने वाला है अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। सो गाइस उन लोगों से बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक सूट बना लिया है जिसे बोलते हैं गली सूट, ये देखो मैंने पहन लिया है। और ये सूट है ना वो एकदम हमारी ग्रास के कलर का है, इसकी हेल्प से पता है क्या होने वाला है, वो लूनार मून और वो सारे के सारे मॉन्स्टर मेरे को पहचान नहीं पाएंगे, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो भी मेरे को नहीं पहचान पाएंगे, तो ये कितना काम का है ना। सो गाइस फटाफट आगे चलो, आगे चलो जल्दी फटाफट, कहीं वो लोग मेरे को देख ना लें। अगर उन लोगों ने मेरे को देख लिया ना तो ये लोग मेरे को जेल के अंदर लाके बंद कर देंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, लूनार मून स्कैरी मिस डिलाइट और ये कैटनैप सारे के सारे बाहर निकल आए हैं इस वाले घर से, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर निकल आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर क्यों निकल कर आए हैं भाई। ओके तो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये लोग मेरे को देख नहीं पा रहे हैं, सो मैं अंदर जा सकता हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। पहले यहाँ पे अपना लैपटॉप को रखते हैं। हाँ वेट, हाँ ये क्या, नो भागो यहाँ से, इन सभी ने मेरे को देख लिया है, जल्दी भागो यहाँ से, हमारा गेम तो ओवर हो गया। गाइज आई एम सॉरी यार, हमारा सारा गेम ओवर हो चुका है क्योंकि उन लोगों ने मेरे को देख लिया था। वो देखो सामने वो लोग खड़े हुए हैं, कैटनैप और स्कैरी राइडर। लेकिन यार मैं घर के अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा एक गेम तो हो चुका है ओवर, एंड हमारा घर के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर हम लोग घर के अंदर जाएंगे कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन वेट मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, हम लोग हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें मशीन से ड्रिल करके ज़मीन के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा अपने भाई के घर में और उसको बचाना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो टाइम आ चुका है ड्रिल करने का एंड जाने का मेरे भाई के घर में।
लेकिन गाइस क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दो ठीक है। एंड क्या आपने सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं। यहाँ पर ये क्या है? अभी ये क्या है? ओ मैं ये कहाँ चला गया? हाँ ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ गाइस, ये देखो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। मैं तो एक जेल के अंदर बंद हूँ और ये रहा मेरा भाई सामने। हेलो भाई, ये देख हम दोनों जेल के अंदर बंद हो चुके हैं। हेलो भाई तू कैसा है? भाई तू भी यहाँ पे बंद हो गया एंड मैं भी यहाँ पे बंद हो गया हूँ। भाई हम दोनों को यहाँ पर लूनार मून ने बंद करा है। हाँ यार हमें लूनार मून ने यहाँ बंद कर दिया है, लेकिन तू ये सोच कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये देख भाई नीचे लूनार मून, कैटनैप, हगी बगी ये सारे के सारे नीचे खेल रहे हैं। हाँ भाई ये वेट भाई वहाँ पर विलेजर, वेट यार वो तो कैटनैप है ना इस विलेजर के साथ। ओ शिट उसको नीचे गिरा दिया एंड ये सब मिलके उसको खा रहे हैं। हाँ भाई वो सब मिलके उसको खा रहे हैं। अबे छोड़ दो प्लीज, अबे छोड़ दो उसको कैटनैप, छोड़ दे उसको, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है कैटनैप। हाँ यार वेट भाई वो जा चुके हैं सबके सब एंड हाँ ये लोग तो अभी नीचे ही हैं। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ना विलेजर के बाद हम दोनों का ही नंबर लगने वाला है। प्लीज यार ऐसी बातें मत कर, हमारा नंबर क्यों लगेगा, हम तो ऊपर बंद है ना। लेकिन शायद तू सही कह रहा है, हमारा नंबर लगने वाला है, वो लोग हमें खाने वाले हैं। हाँ भाई इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से। लेकिन यार हम लोग यहाँ से निकले कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, हम लोग यहाँ से निकले तो निकले कैसे, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोई है ही नहीं यार। ये देख मैं यहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ये देख। एंड मुझे लगता है हम लोग यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। अरे नहीं भाई निकल जाएंगे, तू बस अपना दिमाग चला भाई दिमाग, कुछ सोच यहाँ से निकलने का। अबे यार मैं क्या सोचूं, बट वेट कर यहाँ पे रास्ता एक है तो, ये देख। हाँ अरे वाह भाई ये देख मैं यहाँ से बाहर निकल गया और मैं तेरे को भी यहाँ से बाहर निकालता हूँ ठीक है, वेट कर। ये देख भाई जल्दी फटाफट बाहर आ जा, फटाफट बाहर आ जा, हम लोग यहाँ से अपने घर पे चलते हैं। अरे वाह भाई तूने मुझे निकाल लिया, चलो भाई यहाँ से निकलते हैं वरना पता नहीं लूनार मून कब आ जाए। हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ, फटाफट यहाँ से निकल लो, क्या पता लूनार मून कैटनैप के साथ मिलके यहीं पे आ जाए। लेकिन ये क्या है भाई, हमारे सामने एक नया चैलेंज है भाई, ये एक पॉर्कर है एंड हमें इसको पार करना पड़ेगा। चलो भाई इसको पार करते हैं, लेकिन नीचे इतना सारा लावा दिया है यार। हाँ यार नीचे बहुत सारा लावा है, लेकिन हमें लावा को पार करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ ठीक है चलो चलो भाई, मैं तो आराम आराम से आऊंगा, चलो चलो। वेट भाई मेरे लिए रुक जा, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई मैं तेरे लिए रुका हुआ हूँ, तू फटाफट यहाँ पे आ जा जल्दी जल्दी। ओके सो भाई हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। ये गेट किस काम का है? मुझे लगता है इस गेट के पीछे क्या होने वाला है। भाई इस गेट के पीछे शायद हमें घर जाने का रास्ता मिलने वाला है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई, ये भाई हमें फाइनली घर जाने का रास्ता मिल गया, मजा आ जाएगा भाई, चलो फिर चलते हैं। सो गाइस देखो मैं तो वहां से भागकर बहुत दूर आ चुका हूँ एंड मैं अपने भाई को भी लेकर आ चुका हूँ, मैंने इसको ढूंढ लिया था, ये वहीं कोने में बैठा हुआ था गाइस। एंड हम दोनों एक नए विलेज में आ चुके हैं एंड गाइस हम लोग आज से अपनी जिंदगी यहीं पे शुरू करने वाले हैं, हमारी एक न्यू लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। हाँ भाई मैं तो वहाँ पे बच गया यार, वरना चार्ली चार्ली मुझे जान से मार देता। लेकिन रुको भाई तूने ये नोटिस करा, हमारे विलेज को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अबे कहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक तो है भाई, वैसे ये एक न्यू विलेज है भाई, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, हम लोग कुछ ही दिन पहले इस वाले हाउस के अंदर आए थे एंड ये हाउस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ यार ये सारे के सारे हाउस डिस्ट्रॉय नहीं है बल्कि यहाँ पे टूटे फूटे पड़े हैं, बट इसका मीन क्या है?
मतलब ऐसा कौन कर सकता है, लगता है ये विलेज काफ़ी पुराना है एंड यहाँ से सारे के सारे जो विलेजर वासी हैं वो छोड़ के चले गए हैं, इसीलिए ये पूरा बर्बाद हो चुका है। एंड भाई ये देख, ये कितना ज़्यादा बड़ा घर है एंड इसको भी किसी ने आगे से तोड़ दिया है, पता नहीं किसने करा है ऐसा। हाँ यार ये भी देख पूरा खराब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक भी वो क्यों नहीं है विलेजर। हाँ हाँ भाई हमारे विलेज के अंदर एक भी विलेजर नहीं है। वेट, हगी बगी एंड कैटनैप चार्ली चार्ली व्हाट, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब इस विलेज को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है और हमें इनके बारे में नहीं मालूम है। नहीं, हाँ गाइस देखो हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, उस हगी बगी ने, चार्ली चार्ली ने और उस स्कैरी कैट ने अपने हमें लाकर यहाँ पे बंद कर दिया है। लेकिन गाइस हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, आप लोग प्लीज मुझे कुछ बताओ कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, हमें यहाँ से बाहर निकलकर अपने विलेज में जाना है दोबारा से। लेकिन भाई हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन रुक वो देख सामने क्या चल रहा है। अबे क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है? हाँ नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर यानी कि वही हगी बगी चार्ली चार्ली सब नीचे खड़े हुए हैं। भाई मुझे तो लग रहा है, वेट वो कौन है, वो तो मिस डिलाइट है ना। हाँ उसने उसको नीचे फेंक दिया विलेजर को एंड वो सब मिलके उसे मार रहे हैं। नहीं ओ मत मारो, छोड़ दो उसे, मत मारो प्लीज। हाँ उन लोगों ने उसे मार दिया है, वो बेचारा विलेजर मर चुका है और ये स्कैरी मिस डिलाइट यहाँ से जा रही है और वो चार्ली चार्ली नीचे घूम रहा है। भाई हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकले, कुछ सोच। भाई मैं क्या सोचूं, मेरी तरफ तो कुछ है ही नहीं क्लू निकलने का, तो देख तेरी तरफ कुछ हो सकता है निकलने का। भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के आखिरी दिन आ चुके हैं, हम लोग यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे और हम लोग यहीं पे मर जाएंगे, हमारा कंकाल बन जाएगा यहीं पर। नहीं भाई ऐसा मत बोल, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन कैसे निकलेंगे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, हम लोग कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, आई डोंट नो। अरे भाई रुक जा, ये देख तेरी तरफ एक बेड पड़ा होगा, तू उसको ले एंड अपने डोर के पास लगा, जो ऊपर ग्रास लगी है ना उसके जरिए तू शायद से निकल सकता है। क्या बात कर रहा है भाई, हाँ अरे वाह यार। गाइस देखो मेरे भाई ने मेरे को यहाँ से बाहर निकलवा दिया और अब मैं अपने भाई को यहाँ से बाहर निकालूंगा। सो भाई ये देख हम दोनों यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, चल भाई फटाफट यहाँ से दूसरी जगह निकलते हैं अपने घर पे। हाँ जल्दी जल्दी निकलो, पता नहीं वो लोग कब आ जाएं, लेकिन ये डोर, इस डोर का क्या काम है भाई, ये डोर के पीछे कुछ होगा, रुको चेक करते हैं इसके पीछे क्या है, वैसे मैं तो कभी आया नहीं हूँ। हाँ यहाँ पर तो एक बहुत ही खतरनाक लेजर लाइट ट्रैप बना हुआ है और हमें इसको पार करना है, उसके बाद हमें सामने जाना है, जल्दी मेरा पीछा कर ब्रो। ओके भाई पौर कर करने में तो मैं किंग हूँ, रुक जा भी तेरे को दिखाता हूँ मैं कितने अच्छे से पौर कर करता हूँ। हाँ ठीक है मैंने तेरा पौर कर देखा है, तू आराम से कर भाई वरना तू लावा के अंदर मिलेगा। अबे नहीं भाई मैं बहुत खतरनाक पौर कर करता हूँ, तू मेरे को जानता नहीं है, अभी ये देख एंड इस वाले ब्लॉक पे कूदूंगा मैं स्पाइडरमैन बनके। भाई आराम से आ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वैसे भी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें हमारे सामने अभी एक और डोर है, लेकिन इस डोर के पीछे क्या होने वाला है भाई? भाई इस डोर के पीछे हम शायद घर चले जाएंगे, ऐसा ही हो सकता है। भाई घर जाएंगे लेकिन किसके घर जाएंगे, अच्छा अपने घर, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कहीं इसके पीछे चार्ली चार्ली ना खड़ा हो। अबे यार ऐसा हो सकता है, क्या मैं इसको खोल दूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। हाँ खोल दे भाई खोल दे, क्यों नहीं खोल रहा है इसको। चलो भाई देखते हैं इस गेट के पीछे कौन है, क्या पता हमें कोई और ही मिल जाए। हाँ भाई चलो देखते हैं, पता नहीं, हाँ भाई ये क्या है, ये तो एक मेज लग रही है मुझे। भाई मुझे लगता है हमारा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता यहीं कहीं होगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन रुक जा यहाँ बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं।
भाई के आवाजें आ रही हैं। हाँ सच में यार, बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे देख भाई, कुछ भागने का रास्ता होगा, यहाँ पे चेक तो कर एक बार। नहीं है भाई यहाँ पे, वेट। लेकिन ओ शिट, ये लोग कौन है? चार्ली, ओ माय गॉड, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? भाई पता नहीं, ये लोग तो यहाँ पे आ गए, भागो। ओ शिट, अबे नहीं, निकल यहाँ से भाई। अबे यार क्यों परेशान कर रहा है मेरे को, निकल यहाँ से। इनका पेट तो हमें कच्चा चबा जाएगा, जल्दी से आगे बढ़ो भाई, ये लोग बहुत खतरनाक है। चार्ली क्रासेव, ओ माय गॉड, ये लोग बहुत खतरनाक है। जल्दी, यहाँ पर एक चेस्ट है भाई, लेकिन चेस्ट के अंदर क्या मिलने वाला है हमें? ओ वो लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन ओ वाओ भाई, हमें मिल चुका है डायमंड का आर्मर और गोल्ड का आर्मर। चलो इसे फटाफट पहन लेते हैं, उसके बाद हमें जाना है उन्हें फाइट करने के लिए। हाँ जल्दी जल्दी से पहन लेते हैं। ओके मैंने गोल्ड का आर्मर पहन लिया है, एंड भाई अब टाइम आ चुका है फाइट करने का। चलो यस ब्रो, चलो उन्हें मारने के लिए चलते हैं, लेट्स गो। ओके ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? अबे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? ये लो, अबे नो, ये ले भाई, तू आज बचेगा नहीं। ये ले, अबे चार्ली तू आज बचेगा नहीं, निकल यहाँ से। ये ले, अबे ये ले क्रासेव, ओ ये ले, ओ शिट, ओ ये ले, ओके ये ले, एक और ले। हाँ भाई ये देख, हम लोगों ने सारे के सारे भूतों को मार दिया है और हम लोग अब टेंशन फ्री हो चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस भाई, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ यार वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बटन है क्या भाई? मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बटन है, ये देख। वाओ भाई बटन है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, ये देख ऊपर, अगर बटन होगा ना। ओ वाओ, अरे वाह भाई, बटन काम कर गया। और ये देख हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। हाँ भाई हम लोग तो एक खुली जगह पे आ चुके हैं, लेकिन यार हमारा घर कहाँ है? हमें तो घर पे जाना था ना। हाँ यार वैसे यहाँ पर हमारा घर तो है नहीं, लेकिन भाई यहाँ पर एक चेस्ट है, ये देख। और देखते हैं चेस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है। हाँ देखते हैं, एंड देखते हैं भाई चेस्ट के अंदर हो क्या सकता है, शायद हमें घर जाने का रास्ता मिल जाए। हाँ लेकिन यहाँ तो सिर्फ माइनिंग चार्ज मिला है, लेकिन माइनिंग चार्ज का यूज क्या होता है? अभी हाँ मुझे याद आ गया, माइनिंग चार्ज से हम लोग किसी भी चीज को ब्लास्ट कर सकते हैं। हाँ मुझे पता था भाई, ये देख यहाँ पर जगह है, हम लोग यहीं पे ब्लास्ट करते हैं। चलो हाँ भाई चलो ब्लास्ट करते हैं, फिर हमें रास्ता मिलने वाला है। ओके ये हो चुका है, अबे हो जा भाई। ओके ये हो चुका है ब्लास्ट, वाओ। हाँ भाई, एंड ये क्या भाई, इन विलेजर्स को तू पहचान रहा है? ये हमारे विलेज के विलेजर्स हैं। अरे हाँ यार तूने सही कहा, ये सारे के सारे हमारे विलेज के हैं, जिन्हें चार्ली ने यहाँ पे लाके किडनैप कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। हमें इन सबको बचाना पड़ेगा। हाँ जल्दी जल्दी से इनको बचा लेते हैं, इन्हें अपने विलेज में पहुँचा देते हैं। सो भाई हम लोगों ने सारे विलेजर्स को उनके गांव में भेज दिया है, और वो कितने खुश थे ना। हाँ वो बहुत खुश हो गए थे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार, हम लोग अपने लेकिन वेट, ओ शिट भाई, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। क्रासेव जल्दी भागो यहाँ से। ओ माय गॉड वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, हम लोग क्या करें। लेकिन यहाँ पे जो डोर भी बंद है, हम लोग यहाँ, ओ इधर आ जा भाई, इधर पीछे एक घर है, उसमें चलते हैं जल्दी से। जल्दी भाई जल्दी, फटाफट चल, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके सो भाई जल्दी बंद करो इसको। ये देख भाई विंडो में कितने खतरनाक चार्ली और क्रासेव हैं, जो कि हमें घूर रहे हैं, और वो लोग हमें खाने की सोच रहे हैं। हाँ मुझे तो लगता है कि आज ये लोग हमें खा जाएंगे, लेकिन हमें आज निकलना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन भाई हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? भाई मुझे क्या पता हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। ये देख भाई, ये हमारी विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्रासेव चुड़ैल।
अच्छा हुआ तोड़नी। अबे भाई चार्ली, चार्ली तो अपने मैजिक से तोड़ सकता है। हाँ यार वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लगता है वो अभी इसे तोड़ नहीं रहा है। पता नहीं वो किस मूड में है अभी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ यार, लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे, यहाँ पे तो कोई भी रास्ता नहीं है निकलने का। हाँ भाई देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे आप लोग प्लीज कमेंट के अंदर बताओ कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, चार्ली चार्ली की और वीडियोस चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्लीज कमेंट करो दोस्तों।